बहरेज की जनपद थाना रिसिया के ग्राम अचरोना में खेतों में चल रहा कम्पान को रविंद्र पाठक लेखपाल द्वारा कम्पान पर जाकर 10,000 की डिमांड कर कम्पान चलाने की बात कही। कम्पान ड्राइवर ने बताया कि 10,000 न देने के कारण लेखपाल रविंद्र पाठक द्वारा थाना रिसिया के सूचित कर मौके पर थाना रिसिया पुलिस पहुंचकर कम्पान थाना रिसिया के लेकर आई। वहीं बात करने पर लेखपाल रविंद्र पाठक ने बताया कि SDO महोदय द्वारा कम्पान रोकने को कहा गया, तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि 10,000 की डिमांड जो लेखपाल रविंद्र पाठक जी ने मांगा था, इस साफ साफ पता चलता है कि SDO महोदय द्वारा कम्पान के विशेष में कुछ नहीं बोला गया है। लड्डन खां की खास रिपोर्ट। आप मशीन चला रहे थे? हमारे साथ चला रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? हम नीचे देखा वाले के लिए। लेखपाल ने आपको क्या कहा? उन्होंने हमसे आते सीधे पैसे मांगे थे। कितना पैसे मांग रहे थे आप? 10,000 रुपये मांग रहे। कौन मांग रहा था? लेखपाल आए थे तगड़े तगड़े। क्या बोले? बोले 10,000 रुपये तो पड़ोस से हम लेके आए तो चलने देंगे ना, सीधे ये खाने गए। अच्छा, लेखपाल ने कहा, उसके बाद? उन्होंने कुछ नहीं कहा था, सीधे खाने जाएंगे। उन्होंने दो पुलिस वाले बुलाए, फिर उनके बाद में वो भी बाहर रुके रहे थे जी। फिर उसके बाद में उन्होंने एक चार पहिए की गाड़ी पुलिस वालों को मंगवाई। कितने मशीनों पे चल रही थी? हमारे पड़ोस में एक प्रेत नाम की मशीन चल रही थी जी। उसके बाद? उसके बाद में वो पूरे दिन सारा दिन वहीं पे चलती ही रही। लोगों को हम बार बार यही कहते रहे कि इसमें भी MX नहीं लगा है, ये गाड़ी चल रही है। तो तुमको क्या दिक्कत थी कि मशीन रोकने में क्या दिक्कत थी? उन लोगों को यही दिक्कत है कि इसमें MX नहीं लगा है, ये पहला जो है जला देते हैं ये लोग, तो इसी के लिए बता रहे सरकार रोक रही है। ये जो रीपर है आपके सामने, ये वहाँ पे था कि नहीं था? ये वहाँ पे नहीं था, ये बगल वाले खेत में चल रहा था जी। ये वाली रीपर? हाँ, ये वाली रीपर जो थी ये बगल में चल रही थी।